आज शिक्षाविद डॉक्टर करमा उरांव जी के आज हम लोग प्रार्थना सभा सा कुटुंब भोज में हम लोग उपस्थित हुए हैं और उनके दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना हुई है। और हम लोग आज उनके जो कार्य थे, उनके जन्म से लेके हमारे साथ जब तक चले, और कल हम लोग उनके पैतृक गांव भी गए थे, और वहां उनके गांव को देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि बिरले ही ऐसे लोग इस धरती में जन्म लेते हैं और उन जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर इस शहर की चकाचौंध में अपने अमीट छाप छोड़ के जाते हैं। वास्तव में ऐसे कम लोगों को प्रकृति अपने सब कुछ उनके लिए न्यौछावर करता है। ऐसे ही महा मानव थे डॉक्टर करमा उरांव, और उनके साथ जो कुछ क्षण हम लोगों ने बिताया और उनके साथ जो अनुभव हम लोगों ने शेयर किया और उनके साथ जो हम लोगों ने पाया, वास्तव में हमेशा उनकी एक ही चिंता रहती थी कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, सरकार बेरोजगारों को कैसे रोजगार देगी। अंतिम सांस तक वो जब तक हॉस्पिटल नहीं गए, मुझे याद है कि मैं भिलोर से 3 तारीख को वापस आने के बाद 4 तारीख उनसे मैंने मिला, और उनका एक ही बात था कि गुरुजी मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार हम सबों के साथ छलावा कर रहा है और अब मेरा मन नहीं करता जीने का। तो मैंने उनको कहा था कि सर आप महामानव हैं और आप ही जब हताश हो जाएंगे तो और बाकी लोग क्या करेंगे, और इसलिए आपको जिंदा रहना होगा आदिवासी समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देने के लिए। आप मैंने हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको अभी और 10 साल जीना है और सरकार में जो भी कमी होती है हम लोग लड़ेंगे। और वो सचमुच में अंतिम सांस तक वो समाज के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए सोचते रहे, और इसलिए मैंने हम लोग उनको मैंने सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम लोग दे पाएंगे जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद सभी महापुरुषों ने। मुझे लगा कि करमा सर के साथ जो समय मैंने बिताया, कि महापुरुष ऐसे ही होते हैं और उनका एक एक ये वाणी जो है हम सबों के लिए प्रेरणादायक होता है। और आज मेरा रोम रोम रोंगटा खड़ा हो जाता है जब मैं उनकी बातों को याद करता हूँ। मैंने उनके घर गांव जब गया और वहाँ के लोगों को मैंने सुना देखा कि कई जंगल पहाड़ को पार करके और नदियों को पार करके उनको स्कूल जाना होता था, तो बचपन कैसे वहाँ गुजरा होगा। और वह मैंने ये सचमुच में रोंगटे खड़े कर देते हैं कि उनके आज जो जन्मभूमि है जहाँ मदगी टोला बोलते हैं, महुआ टोली, वहाँ पर मैंने कल गया था। तो सचमुच में हमारे बीच में करमा सर रहे और देव तुल्य अब हमारे समाज को आशीर्वाद देते रहेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका कृपा हम सबों को मिलता रहेगा और हम लोग उनके जो अधूरे कार्य हैं, सपने हैं, उनको हम लोग साकार करेंगे। हमारे साथी प्रेमशाही मुंडा जी हैं, बाकी हमारे जो भी सहयोगी हैं, सभी लोगों के साथ मिलके अब उनका याद ही हमारे साथ है, और जो भी अब अधूरा कार्य था उनको हम लोग पूरा करेंगे। आंदोलन हम सबों का जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही हमारे संदेश में। सबों को जय धर्मेश, जोहार।